दोस्तों आज हम चलेंगे लेके आपको मुगल गार्डन। कैसा दिखेगा मुगल गार्डन अंदर से? ये है खूबसूरत शालीमार बाग, दैट इज इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पहुंचे हैं, जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं बोर्ड, सो श्रीनगर के मुगल गार्डन और उसमें है शालीमार बाग। तो जी हाँ, श्रीनगर जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत शहर एंड उसके जो साइट सीन्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। सो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जो श्रीनगर के मुख्य दर्शनीय स्थान है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो गार्डन है जिसे बोलते हैं शालीमार बाग। और ये जितने भी मुगल गार्डन है श्रीनगर में उसमें से सबसे बड़ा है ये। तो अभी हम टिकट काउंटर से लेंगे टिकट और चलेंगे फटाफट अंदर। सो ये है टिकट रेट्स फॉर एंट्री, जैसे आप देख पा रहे हैं एडल्ट 24 रुपीज एंड चाइल्ड इज 12 रुपीज। ये आगे हम गार्डन के अंदर, ये है एंट्री गेट जिससे हम अभी अंदर आ चुके हैं। एंड दोस्तों ये है फर्स्ट लुक ऑफ दिस फेमस गार्डन इन श्रीनगर। सो देख पा रहे हैं सर्दी के बाद, बर्फबारी के बाद हरियाली लौट चुका है इस गार्डन में एंड क्या खूबसूरत नज़ारा है। एंटर करते ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा इस वक्त। इस वीडियो के जरिए आप देख पा रहे हैं द फेमस गार्डन शालीमार बाग। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें, हम चलेंगे बाग के हर एक कोने में और आप तक पहुंचाएंगे इसके खूबसूरत व्यू। ये पीछे हमारे मैम आ रहे हैं, पीछे से बोल रहे हाय गाइस। मैं चाहूंगा मैम को आराम से बोलिए, आप कहाँ से मैम? मैं कलकत्ता से हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ। कलकत्ता से हैं, मींस सी इज बंगाली। कैमोन आछेन आपनि? कोलकाता प्रॉपर? ओके, शांतिनिकेतन बीरभूम। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बीरभूम। सिवड़ी। अच्छा, ये देखिए मिल गए हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट, नॉट ओनली पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट, टाउन। हाँ सेम टाउन। यूट्यूब पर चलिए मैम आए हैं कलकत्ता से, इस वक्त घूम रहे हैं श्रीनगर में। तो मैम से पूछूंगा कैसा लग रहा है आपको यहाँ? कोई भालो लग चेना? बरफ पे चेन? बरफ पे चेन? ओके। एक्चुअली अभी मुंबई थे क्या आशी? ओके। ओके ओके चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये बाग है, ये खूबसूरत व्यू अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ शालीमार बाग का। और ये एंट्रेंस में ही जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ रिपेयर वर्क अभी चल रहा है जिसके वजह से हम उस साइड अभी नहीं जाएंगे, इधर बंद कर दिया गया है। तो डाइवर्सन लेके हम चल रहे हैं गार्डन के दूसरे साइड में। दोस्तों ये व्यू आप देख रहे हैं हर एक वो एंगल से शालीमार बाग का। एंड ये गार्डन सबसे बड़ा है जैसे मैंने कि आपको कहा, ये टोटल एरिया जो है इसका 30 एकर्स में फैला हुआ ये बाग। और इसमें अभी फूल लगना स्टार्ट हो गया है,
एंड चिनार को पीछे जो देख पा रहे हैं ये पेड़ चिनार के हैं, जो बहुत ही बड़ा साइज का पेड़ होता है उसमें भी हरे हरे पत्ते आना स्टार्ट हो गया है। टूरिस्ट मजा ले रहे हैं अपने अपने तरीकों से। एंड दोस्तों आज सुबह से मौसम बहुत ही डाउन चल रहा था, सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, बट इस वक्त इस बाग में जैसे हमने एंटर किया और ये खूबसूरत नज़ारा और थोड़ी सी हल्की सी धूप अभी यहाँ पर बाग में हमें दिखाई पड़ रहा है। सो राइट नाउ वी आर एंजॉइंग, सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और ये देख पा रहे हैं बारिश के बाद वेदर एकदम फ्रेश, बट ठंड बहुत ज़्यादा इस वक्त। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए इस बाग से क्या खूबसूरत फ्लावर्स एंड उसके बाद ये जो पीला पीला देख रहे हैं ये पत्ते हैं दोस्तों, और साथ में हरियाली, तो मिला जुला के कितना अच्छा व्यू बनते हुए दिख रहा है इस वक्त हमें शालीमार गार्डन से। सो शायद यही वो वजह है जिसके लिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये इस वक्त शालीमार गार्डन में मैं घूम रहा हूँ मेरे फैमिली के साथ, मिलिए अमन, आर्यन एंड सीज प्रिया। कैसा फील हो रहा है आपको? Awesome. मैडम ये रही मैम, कैसा है, कैसा मजा आ रहा है? Awesome. And here is Aryan. बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, इस वक्त हम इसका हर एक कोने में जा के आपको वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत है ये गार्डन। गार्डन का हर एक कोना बहुत ही खूबसूरती देते हुए इस वक्त यहाँ। जब इस खूबसूरत गार्डन में आप घूमेंगे तो कुछ इस तरह के दुकान भी आपको मिल जाएंगे जो कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आप फोटो खिंचवा सकते हैं, जिसमें आप दिखेंगे बहुत खूबसूरत। कितना चार्ज क्या करते हैं साहब? कश्मीरी ड्रेस में फोटो खींचते हैं। ओके, क्या रेट क्या लेते हैं? रेट है 187-240, दो साइज है अलग अलग फोटो का। एंड सिर्फ अगर ड्रेस पहन के खिंचवाना है तो? अगर अपना कैमरे से खींचना है 130 उसका भाड़ा है। ओके, तो इस तरह के आपको मिल जाएंगे कश्मीरी ड्रेस जो हमारी ये भाई आपको खूबसूरत बना के देंगे सजा के, और चाहे तो आप उनके कैमरे से नहीं तो खुद के कैमरे से भी फोटो खींच सकते हैं। ये गार्डन का फाउंटेन एरिया है जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, बट फाउंटेन किसी वजह से शायद आई होप कि रिपेयर वर्क यहाँ पर जैसे चलते हुए हम देख रहे हैं, शायद ये वही वजह होगा जिसके वजह से फाउंटेन अभी इस वक्त बंद है गार्डन में। एंड फूलों का बहार देखिए लौटते हुए। पीछे देख रहे हैं पहाड़, एंड पहाड़ों में किस तरह से क्लाउड उतर का आया है ये देख पा रहे हैं आप, क्लाउड का पैच जो इस वक्त पहाड़ के साइड में दिख रहा है आपको, तो क्या खूबसूरत व्यू।
इस गार्डन में इस तरह के बड़े बड़े चिनार के पेड़ आपको दिख जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं चिनार के पेड़ के पत्ते अभी जस्ट नए पत्ते आना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज फॉल सीजन दैट इज अक्टूबर नवंबर में पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद आता है विंटर एंड विंटर के बाद बर्फबारी के बाद लौटता है कश्मीर में हरियाली। सो ये चिनार के पत्तों में अभी हरियाली लौटते हुए, और ये देखिए गार्डन का हर वो एंगल से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि कितना खूबसूरत है ये गार्डन। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग विथ मी दिस गार्डन, जो कि है मुगल गार्डन के नाम से फेमस। एंड मुगल गार्डन इनफैक्ट कश्मीर में आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा चश्मे शाही एंड निषाद बाग, तो इस उन सबों को भी मुगल गार्डन के नाम से ही जाना जाता है। एंड अभी जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग डल लेक के जस्ट बगल में ये सारे गार्डन आपको मिल जाएंगे। एंड ये सबसे नॉर्थ एरिया में, थोड़ा सा अंदर चल के आना पड़ेगा आपको जब कभी भी आप आ रहे हैं श्रीनगर। सो अपने ड्राइवर को बोलिएगा कि हमें शालीमार बाग जाना है, क्योंकि शालीमार बाग जब आप सिटी से आएंगे सो ये काफ़ी अंदर पड़ेगा दोस्तों। ये देख पा रहे हैं जो गुलाब के पौधे अभी जो लगाए गए हैं, और यहाँ की मिट्टी जिस तरह का है कि ये महीना दो महीने के अंदर ये पौधे रेडी होके खूबसूरत गुलाब इन पौधों में खिल जाएंगे। सो ये विशेष तरीके से ये कैरीज बनाया गया है, जब खिल जाएगी देख पा रहे हैं कटिंग्स, जब गुलाब खिल जाएगा तो ये गार्डन का खूबसूरती और भी बढ़ जाएगा दोस्तों। दोस्तों इन गार्डन में जब महीना डेढ़ महीने के अंदर ये पौधे रेडी हो जाते हैं तो कुछ इस तरह के फूल खिलता है जो इस गार्डन की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। तो देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत ये फूल खिले हुए हैं, एंड ये ब्यूटी कुछ अलग ही एक रोमांच पैदा करती है दोस्तों। एंड ये है समर का व्यू ऑफ दिस फेमस गार्डन। फ्रेंड्स कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जानकारी आपके लिए बता दूं कि कश्मीर इतना खूबसूरत है, यहाँ नेचुरल ब्यूटी इतनी बेहतर है कि कश्मीर पूरा देखने के लिए आपको मिनिमम दो ट्रिप प्लान करना होगा, जिसमें आप उसको डिवाइड कर सकते हैं एक विंटर सीजन में और एक समर सीजन में। तो विंटर में जब कभी भी आप आएंगे तो मिल जाएगा आपको भरपूर बर्फ और सारे जगहों का व्यू होगा कुछ और, एंड सेम वे समर में जब आएंगे तो आपको दिख जाएगा खूबसूरत हरियाली नज़र आ जाएंगे, खूबसूरत फूल खिले हुए हर एक जगह में, चाहे वो गार्डन हो चाहे हो और कोई नॉर्मल प्लेसेस। सो ये दोनों खूबसूरती को देखने के लिए मिनिमम आपको दो बार कश्मीर आना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी समर लौटते हुए, अभी इस वक्त अप्रैल का महीना बट ठंड अभी भी बहुत ज़्यादा है, आज सुबह से बारिश हो रही थी। एंड इस वक्त ये गार्डन से आपको मैं दिखा रहा हूँ हर वो एंगल से व्यू जो समर का है। सो यही गार्डन आपको विंटर में कुछ और तरीके का दिखता है, बिकॉज कश्मीर इज़ ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी। सो यहाँ का खूबसूरती पूरा दुनिया में फेमस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त मेरे इस वीडियो के जरिए इस गार्डन का खूबसूरती को मैं आप तक दिखा रहा हूँ। एंड कश्मीर के बाकी जगहों को भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको गुलमर्ग के खूबसूरत और नज़ारा विंटर व्यू का, एंड सोनमर्ग साथ ही पहलगाम कैसा दिखता है वो भी आपको दिख जाएगा। सो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए दोस्तों, एंड इस वक्त ये गार्डन आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर हमें भी बताइए। Oh, 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 oh
ये जो सामने एरिया आप देख रहे हैं ये वाला पूरा लंबा, यहाँ पर फाउंटेन दिख जाता है नॉर्मली, बट अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी बंद किया हुआ है ड्यू टू सम मेंटेनेंस वर्क। और ये देख पा रहे हैं कि ये वो फाउंटेन्स है जो इस जगह में जब पानी रहता है भरा हुआ तो फाउंटेन्स भी ऑन रहते हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस वक्त हम आ गए वीडियो का आखिर में। सो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में वो खूबसूरत व्यू कि शालीमार बाग जो कि है एक मुगल गार्डन दिखता कैसा है एंड क्या है यहाँ का खासियत और यहाँ की ब्यूटी। सो बेसिकली दिस गार्डन इज फेमस ओनली फॉर द ब्यूटी एंड स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। सो आज मैंने दिखाया मेरे वीडियो के जरिए वो सारे दृश्य, वो सारे एंगल, वो सारे व्यूज़। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो स्ट्रेट फ्रॉम शालीमार बाग श्रीनगर। सो श्रीनगर में जब आप आएंगे घूमने के लिए या कश्मीर ट्रिप में जब आएंगे तो एक दिन आपका रहेगा लोकल साइट सीन के लिए। सो उस लोकल साइट सीन में आपके ये गार्डन्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो निसाद एंड शालीमार जो कि है अगल बगल में, इन दोनों में से आप कोई एक का चयन कर सकते हैं बिकॉज दोनों गार्डन ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो बाकी इसके अलावा आपको मिल जाएंगे चश्मे शाही और परिमहल और डल लेक में डल गेट में शिकारा राइड करना ना भूलें। उसके अलावा आपको मिल जाएंगे लाल चौक में मार्केटिंग एरिया जो कि रहेगा आपके लिए सबसे बेहतर पूरे एंटायर कश्मीर में बिकॉज लाल चौक का मार्केट अच्छा है दोस्तों एंड ड्राई फ्रूट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं अपने घर ले जाने के लिए सो आप इसको भी लाल चौक से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज था ये स्पेशल कवरेज फ्रॉम शालीमार बाग दैट इज श्रीनगर। सो कैसा लगा ये गार्डन ये जरूर आप अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में डालें। सो आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ कुछ नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद।